नमस्कार दोस्तों, आरा रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और सूजी के क्रिस्पी फिंगर्स। आलू सूजी फिंगर्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 7 आलू लिए हैं छोटे साइज के। ये देखिए, इनको मैंने बॉल करके छील लिया है। 4 हरी मिर्च ली है जिसे मैंने बारीक काट लिया है। 3 चम्मच हरा धनिया लिया है, इसे मैंने साफ पानी से धो लिया और बारीक काट लिया है। 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। 1 चम्मच नमक लिया है या स्वाद अनुसार। के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे। गैस ऑन हो गई है। इसमें मैंने 1 कप पानी लिया है, इसको हम गुनगुना करेंगे और इसमें हम सूजी डाल देंगे। सूजी को हम ऐसे फुलाएंगे। इसमें सबसे पहले हम आलू को कद्दूकस करेंगे इस तरह। इस तरह ये देखिए, आलू हमने सब कद्दूकस करके तैयार कर लिए। हमारी सूजी भी तैयार हो चुकी है फूल के, ये देखिए। अब इसको हम ऐसे करके मसल लेंगे। अब इसमें हम सूजी डाल लेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सूजी और आलू को। अब इसमें हम हरी मिर्च मिला देंगे, लाल मिर्च, नमक और ये हरा धनिया। अब हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह, ये देखिए। फिंगर बनाने के लिए सूजी हमारी तैयार हो चुकी है, ये देखिए। अब हम ऑयल गरम करेंगे, गैस ऑन करेंगे। ऑयल को गरम होने देते, तब तक हम फिंगर बना के तैयार करेंगे। फिंगर बनाने के लिए सबसे पहले हम हाथ पे ऑयल लेंगे ताकि ये सूजी हमारा चिपके नहीं। इस तरह हम ये इसको हम लंबा लंबा पतला पतला इस तरह बनाएंगे। इस तरह ये देखिए, इसको रखते जाएंगे और बाकी ऐसे सभी को बनाते जाएंगे हम। अभी हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम फिंगर डालते जाएंगे, एक एक करके सेकेंगे। अब इनको हम धीरे धीरे सिकने देते हैं, गैस का फ्लेम लो रखेंगे। इनको हम धीरे धीरे पलटेंगे ताकि एक दूसरे में ये चिपके नहीं। एक एक करके हम पलटेंगे इस तरह। इस तरह ये देखिए, फिंगर हमारे इस तरफ भी सिक चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे। इस तरह आलू और सूजी के फिंगर्स हमने बना के तैयार करके रख लिए। ये देखिए, फिंगर्स हमारे बहुत ही अच्छे सिके हैं, क्रिस्पी हैं। ये इस तरह आप देख सकते हैं, ये देखिए। आपके लिए इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। हमें जरूर बताइएगा हमारी रेसिपी कैसी लगी है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।